आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों के हेडलाइंस पर। अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव, घर जाने की बात पर जताई खुशी। मुकेश अंबानी बने दुनिया के चौथे सबसे रईस, 80 बिलियन डॉलर हुई संपत्ति। सुशांत केस, महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जवाब, सीबीआई जांच का विरोध। पीएम समेत अन्य दिग्गज नेताओं के लिए विशेष प्रसाद भेजेगा राम मंदिर ट्रस्ट। झारखंड के रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला, एयरपोर्ट पर एयर एशिया के विमान में वर्ल्ड हिट होने की खबर। नमस्कार जोहार, मैं हूँ रश्मि जायसवाल, आप देख रहे हैं avianpost.com। एक लंबे समय तक भारतवर्ष अंग्रेजों के अधीन रहा है। अंग्रेजों से पीछा छुड़ाने के लिए कई तरह की क्रांतियां हुई है और कई क्रांतिकारियों ने अपनी जान गंवाई है। इसमें एक ऐसी क्रांति हुई है जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। आज चर्चा उसी पर, आइए जाने क्या है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन था, जिसकी वजह से अंग्रेज भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। यह आंदोलन ऐसे समय में शुरू किया गया था जब दुनिया काफ़ी बदलावों के दौर से गुजर रही थी। पश्चिम में युद्ध लगातार जारी था और पूर्व में साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन तेज होते जा रहे थे। एक तरफ भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व की आशा कर रहा था, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस भारत को आज़ाद कराने के लिए फौज तैयार कर रहे थे। ऐसा कहना कतई गलत नहीं होगा कि जन आंदोलन से भारत की आज़ादी की मजबूत जमीन तैयार हो चुकी थी, बस उसमें अब स्वतंत्रता के बीजों को बोना बचा था। अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग 4 महीने बाद ही स्वतंत्रता के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन शुरू हो गया। इसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव में यह घोषित किया गया था कि अब भारत में ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति, भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत जरूरी हो गई है। क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का लक्ष्य? इस आंदोलन का लक्ष्य भारत से अंग्रेज साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड से ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। क्यों था भारत छोड़ो आंदोलन महत्वपूर्ण? विश्व में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और इसमें ब्रिटिश फौजों की दक्षिण पूर्व एशिया में हार होने लगी थी। एक समय यह भी निश्चित माना जाने लगा था कि जापान भारत पर हमला ही कर देगा। मित्र देश अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन पर लगातार दबाव डाल रहे थे कि इस संकट की घड़ी में वह भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए पहल करे। अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उन्होंने स्टेफोर्ड क्रिप्स को मार्च 1942 में भारत भेजा। ब्रिटेन सरकार भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना नहीं चाहती, वह भारत की सुरक्षा अपने हाथों में रखना चाहती और साथ ही गवर्नर जनरल के वीटो अधिकारों को भी पहले जैसे ही रखने के पक्ष में। भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के सारे प्रस्तावों को एक सिरे से खारिज कर दिया। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय नेशनल कांग्रेस कमेटी की बैठक 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में हुई। इसमें यह निर्णय लिया गया कि अंग्रेजों को हर हाल में भारत छोड़ना ही पड़ेगा, भारत अपनी सुरक्षा स्वयं ही करेगा और साम्राज्यवाद तथा फांसीवाद के विरुद्ध रहेगा। यदि अंग्रेज भारत छोड़ देते हैं तो अस्थायी सरकार बने, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा जाएगा और इसके नेता महात्मा गांधी जी होंगे। क्या पड़ा भारतवासियों पर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव? 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ शुरू हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निर्णायक भूमिका निभाने वाले भारत छोड़ो आंदोलन ने
अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाने का काम किया था। यह वह आंदोलन था जिसमें पूरे देश की व्यापक भागीदारी रही थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की मशहूर घटना काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद हुए इस आंदोलन ने देखते ही देखते ऐसा स्वरूप हासिल कर लिया कि अंग्रेजी सत्ता के दमन के सभी उपाय नाकाफी साबित होने लगे थे। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे के साथ शुरू हुए आंदोलन में थोड़े ही समय के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ताओं ने हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन को जिंदा रखा था। गांधी जी का यह प्रयास अत्यंत ही सराहनीय था, जिसने कि ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला कर रख दी थी। उस वक्त करो या मरो या अंग्रेजों भारत छोड़ो दो नारा काफ़ी ही सफल रहा। फिर मुलाकात होगी कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।